मेरा नाम मिस सना शेख है और मैं इनकी कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे आज मेरी एज को 20 ईयर कंप्लीट हो गए और मैं यहाँ बचपन से हूँ, मेरे मम्मी पापा उससे पहले से हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू हिम मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्लीज़ आप ये मैसेज, आई थिंक कि आप सब फॉरवर्ड कर सकते हो इस मैसेज को। तो प्लीज़ नरेंद्र मोदी, आपको इतना सा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों की प्लीज़ बातें सुनो। और हम एक स्टूडेंट्स हैं, वी आर स्टूडेंट्स, और हम लोग के साथ यहाँ पे दिन भर पढ़ाई करो, उनका टेंशन है, घर का टेंशन है, हम छोटे छोटे हमें क्या टेंशन ले सकते हैं। और इनके माँ बाप हैं, दिन भर कोई घर में रहता नहीं है, घर में सिर्फ मम्मा रहती है और सब बाहर रहते हैं। और जो लेडीज़ पुलिस आती है तो वो बिना कुछ परमिशन ना एनीथिंग कुछ उनके पास रहता नहीं है और डायरेक्ट निकाल देती है, लेडीज़ नहीं देखती है। आई मीन पुलिस ऑफिसर्स तक ये बोल देते हैं मैडम आप लोगों का कुछ नहीं निकलो, ये कहाँ है, मतलब ऑफिसर्स का कुछ वही नहीं है, पुलिस मतलब कुछ नहीं है, गवर्नमेंट व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, ये नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग उससे ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई के आगे, उनके आगे, वो दिन दिन में बच्चे वो भी टेंशन में रहते हैं, पापा घर में खाना नहीं खा रहे, मम्मी खाना नहीं खा रही है, भाई खाना नहीं खा रहा है, सबको टेंशन है। मतलब आप इतना तो कर दो कि जो इनका हक है कम से कम वो तो दिला दो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या मिल रहा है करके, व्हाट द हेल ऑफ हिम ऑन हिज क्या रोमन जो इनका बिल्डर है यहाँ का, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो प्लीज़ आप ये सुनो कि इनका हक इनको दे दो, तुम्हारी तरह चेयरमैन ये वो उनकी तरह हक नहीं कोई खा रहा है, तो दौलत नहीं मांगी जा रही आपसे, इनका हक मांगा जा रहा है जो इनका है, इनका कम से कम वो दे दो जो वो मांग रहे हैं, जिनका हक है 20 साल 25 साल से यहाँ पे जो है 40 साल से है, कम से कम उनका हक तो दो। आप यूँ ऐसा कर रहे हो कि निकलो निकलो, मतलब क्या है यहाँ पे जो लड़ रहा है तुम उसको अंदर कर रहे हो, व्हाट द हेल ऑफ हिम, क्या कर क्या रहे हो ये सब, मतलब कुछ इशू है तुम्हारा, तुम जाके वहाँ क्या अनवर मामू उनका कर रहे हो, उनसे मिस्टर अनवर सैयद वो कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, तो वो है उनके पास पैसा है, मतलब वो दिखाई दे रहे हैं, बाकी पुलिस ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं, पैसा दे रहे हो तुम, खिला रहे हो, लेकिन ये नहीं सोचो वही पैसा इन गरीबों को दे दे, ये नहीं देख रहे हो, ये पैसा उठा के तुम उनको दे दो, तुमको हार देंगे, चप्पल नहीं देंगे, जो तुमको वो चप्पल दे रहे हैं हम हार देंगे तुमको, तुम हमारे लिए इतना करो क्यों कर रहे हो, हमारे पापा हमारे चाचू हमारे अंकल को क्यों डाल रहे हो ऑफिस में, क्यों जा रहे हो उसमें, क्यों जबरदस्ती वैन में बैठा रहे हो, पुलिस वैन में क्यों बैठा रहे हो, किस हक से, तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट है, नेवर, आप लोग के पास अरेस्ट वारंट भी नहीं है, आप लोग अचानक उठा के बैठा रहे हो, कहाँ की इंसाफ है, कहाँ का गवर्नमेंट है, मेरे पापा को मेरे अंकल को ये सब बिचारे जो यहाँ पे परेशान है, अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पे तीन चार गाले हैं जो ये है, तो क्यों बैठा रहे हो, आपके पास अरेस्ट वारंट है, आपसे बोला जा रहा है विदाउट, मतलब जो यहाँ पे पढ़ा लिखा है वही समझ रहा है, वी आर स्टूडेंट वी आर नोइंग, बट बाकी लोग जो अनपढ़ है चलो ठीक है, तुम यहाँ की महिला यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा इतना नहीं है, सब 8वीं 9वीं 10वीं है, लेकिन हम स्टूडेंट्स है, वी आर नोइंग ना, तुम इतना बड़े हो बिल्डर हो ठीक है, तुम पैसे समझते हो, हम भी पैसे समझते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, तो पैसे समझ लो ठीक है अच्छी बात है, तुम्हारे लिए पैसा है, हमारे लिए गरीब है, हमारे लिए कुछ नहीं है इशू नहीं, हम गरीब है, हम भी खुश है, तुम भी खुश हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जो अरेस्ट वारंट नहीं है तो फिर क्यों जा रहे हो, क्यों किसी को अंदर कर रहे हो, और जो लड़ रहा है तो तुम उसको अंदर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब मैं यहाँ से जो बिल्डर है यहाँ के मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ आप इनका दे दो जो है, क्यों परेशान कर रहे हो, मतलब आप उनको दे रहे हो तो वो पैसा तुम गरीबों में बांट दो, तुमको हार पहनाएंगे, और ये मत करो कि तुमको चप्पल पहनाए, इतना मत करो कि बच्चे भी तुम्हें गाली दें, उम्रदार हो समझ जाओ, समझदार के लिए काफ़ी है। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ यही आखिरी बार फिर से बोल रही हूँ, नरेंद्र मोदी ये मैसेज आप सुनो और ये रिक्वेस्ट हमारी सुनो, क्योंकि यहाँ पे सब मौत के मुंह में है, क्योंकि नहीं मिलेगा तो यहाँ पे सब मरने के कतार पे, यहाँ पे मर जाएंगे वो ठीक है हम लोग को संतोष हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाएंगे नहीं, और ऐसी बिल्डिंग बनाया है कि आप जाके अभी भी चेक कर सकते हो टूटी फूटी अभी से, ताकि वो बिल्डिंग गिर जाए आदमी भी ख़त्म हो जाए, क्या फ़ायदा, क्या फायदा आपको ऐसी बिल्डिंग बना के, आदमी बनाता है तो कुछ साल तक टिकता भी है, मेरे को तो नहीं लगता कोई साल तक टिकेगा, अभी से टूट रही है, अभी से परेशान है सब, उसमें जा जाके पानी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी कोई है कभी कोई बॉटल फेंक रहा है, अभी लोग रहते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे रहने वाले भी परेशान है और यहाँ जो है वो तो और ज्यादा ही परेशान है, तो ये मैसेज प्लीज नरेंद्र मोदी तक पहुँचाइए, यहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं, ना एसआरए सुनेगा, ना कोई चेयरमैन सुनने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, सीधे ये मैसेज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करियो, मेरे मम्मी पापा है, मेरे अंकल आंटी है, मेरे अड़ोस पड़ोस के जितने लोग हैं, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी ये मैसेज सुन रहा है प्लीज वो नरेंद्र मोदी तक पहुँचाइए, ये यहाँ पे किसी का कुछ नहीं होने वाला है।